यूपी के हरदोई जिले में कुल्हाड़ी से काट कर हुई दर्जी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दर्जी की हत्या अवैध संबंधों को लेकर की गई थी। दरअसल मृतक की पत्नी से उसके चचेरे भाई के अवैध संबंध थे, जिसको लेकर वह टोका टाकी करता था। इसी बात से नाराज मृतक की पत्नी और उसके चचेरे भाई ने उसकी हत्या का ताना बाना बुना और रात में सोते समय कुल्हाड़ी से काट कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में थाना अतओली पुलिस के पहरे में खड़ी इस महिला का नाम रीना और इस युवक का नाम सोनेलाल है। रीना पर अपने पति और सोनेलाल पर अपने चचेरे भाई की हत्या का आरोप है। दरअसल स्थानीय थाना इलाके के बहोया खसरोल के रहने वाले राम सिंह 45 की विगत 18 जुलाई को उसके घर के बाहर सोते समय कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी, तो मामला आशनाई का निकला। पुलिस के मुताबिक मृतक राम सिंह की पत्नी रीना के साथ उसके चचेरे भाई सोनेलाल के अवैध संबंध थे। राम सिंह को जानकारी होने पर उसने विरोध जताया। पति अवैध संबंधों में बाधक था, लिहाजा इसी बात को लेकर साजिशन रीना अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई और सोनेलाल ने घर के बाहर सोते समय कुल्हाड़ी से वार कर राम सिंह की निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। 17:18 में ग्राम मोहरिया थाना पटोली में राम सिंह उम्र 40 वर्ष की मर्डर हो गया था। रात में सोते समय चारपाई पर कुल्हाड़ी से काट हत्या करके मर्डर कर दिया गया, जिसमें अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। कल पतरौली पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें एक उसका चचेरा भाई है, उसका नाम सोनेलाल भूरा है और उसकी पत्नी, दोनों ने मिलकर के मर्डर किया है। उसने पुलिस को सफलता मिली है और एसपी महोदय की तरफ से इस खुलासे के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया गया पुलिस टीम के लिए। सर वजह क्या रही है इसमें? अवैध संबंध है, मेनली ये है कि मृतक की दूसरी शादी थी, जिसका इसकी दूसरी पत्नी का जो है इसके चचेरे भाई से संबंध थे, जिसको लेकर के वो मना करता था। मना करने को लेकर के इन लोगों ने प्लान बनाया कि इसको रास्ते हटाया जाए, जिससे हम लोग स्वतंत्र रूप से रह सकें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।